आज हम बनाने जाने वाले हैं गोभी के गर्मा गर्म करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी गोभी के पकौड़े, और उसके साथ हमने बनाया है सीम का चटनी और हमारे साथ है सॉस। तो अगर पकौड़े बनाए तो चटनी तो बनानी ही पड़ेगी सीम की। तो चलिए पकौड़े बनाते हैं और चटनी बनाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी के क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े। उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा प्याज, इनको हम लंबा लंबा काट लेंगे। पत्ता गोभी और प्याज को हम लंबा लंबा काट लेंगे। आप देख सकते हो कि मैंने पत्ता गोभी को लंबा लंबा काट लिया है इस तरीके से। आपको भी पत्ते गोभी को इस तरीके से काट लेना है लंबा लंबा। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे लंबे लंबे प्याज कट के रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हमारा पत्ता गोभी और प्याज कट के रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, जरा सी हल्दी, मिर्ची, चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब नमक डाल के हमको मिक्स करके इसको छोड़ देना है, क्योंकि पत्ता गोभी है तो इसका पानी रिलीज होगा, मतलब पानी निकलेगा इसका। मैंने अजवाइन भी डाला है इसमें। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने मसालों को मिक्स कर लिया है इसके अंदर। हमें इसमें पानी, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैंने तेल डाल दिया है। तो जब तक मैं बेसन मिलाऊंगी तब तक मेरा तेल गर्म हो जाएगा। अब हम इसमें मिलाएंगे बेसन। हमने आधा कटोरी बेसन डाल लिया है। पहले हम चेक करेंगे मिला के, अगर ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। अब हम डालेंगे चावल का आटा, ताकि इससे हमारे जो भजिए हैं वो करारे हो जाए। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है, क्योंकि हमने नमक डाला था और ये पत्ता गोभी है तो पानी छोड़ेगा, इसलिए हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है। तो यहाँ हमारे पकोड़े बनके रेडी हैं, फ्राई होने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ हमने पकोड़ों को फ्राई होने के लिए डाल दिया है। तो यहाँ हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी कड़क कड़क गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हो गए हैं, पर बिना चटनी के पकोड़ों का क्या कहना। तो चलिए अब हम चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ चटनी बनाने के लिए हमने ले लिया है सीम, चार मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, और मैंने खट्टेपन के लिए डाला है आंवले का अचार। अगर आपके पास आंवले का अचार नहीं है तो आप नींबू का फूल भी डाल सकते हो। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ हमारी सीम की चटनी बनके तैयार है। तो यहाँ हमारे गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े रेडी हैं, क्रंची क्रंची, जिसके साथ है सीम की चटनी और सॉस। खाइए और मज़े करिए। थैंक यू सो मच। इसे ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।